चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन रचनाएं। तो रचना का मतलब क्या होता है? देखो, रचना होती है किसी भी चीज की कल्पना करना और उसको आकृति की सहायता से बनाना। मतलब कोई भी कल्पना कर रहे हैं, जैसे कोई फोटो है, और फिर उस फोटो को कल्पना करके चित्रित करना, बनाना, क्या कहलाती है? रचना कहलाती है। तो हम यहाँ पर रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सबसे पहले मैं रचना में काम आने वाले औजारों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले ये आपके कंपास, कंपास बोलते हैं मतलब प्रकार। इसकी सहायता से क्या काम किया जाता है? प्रकार की सहायता से एक तो चाप काटे जाते हैं, रेखाएं बनाई जाती है, वृत्त बनाए जाते हैं, और दूसरा ये आपके डिवाइडर, डिवाइडर बोलते हैं इसको। इसकी कोई भी लेंथ, कोई भी भुजा का माप, जैसे कोई लाइन खींचिए माप लेके यहाँ दूसरी जगह, ऐसी भुजाओं का माप किया जाता है। इसको पहली बात ही जानते हो, स्केल पैमाना है आपके, इससे लाइनें खींचेंगे हम, और जो भी चाप वगैरह का माप है वो इससे ही लेंगे हम। ये आपके चांदा, डी है, चांदा है, तो इसकी सहायता से कोण बनाने के काम आता है। ये जो ऐसे कोण जो प्रकार से नहीं बना सकते वो कोण हम इसकी सहायता से बनाएंगे, चांदी की सहायता से, और कोण को मापने के काम भी आता है, कितने डिग्री कोण का है। और ये है आपके सेट स्क्वायर, इन्हें बोलते हैं सेट स्क्वायर। ये काम आते हैं आपके समांतर लाइनें बनाने में और समांतर कोण बनाने में। अगर आपको कोई लाइन है उसी लाइन के समांतर दूसरी लाइन बनानी है तो हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो पहला सवाल है आपके नंबर एक, इसमें कहा है कि 6.7 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। एक रेखाखंड खींचना है 6.7 सेमी का, और उस रेखाखंड को हमें दो भाग में बांटना है, जिसका अनुपात क्या होना चाहिए? 2:3 होना चाहिए। मतलब दो भाग तो आगे आएंगे और तीन भाग पीछे आएंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम? सबसे पहले 6.7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। खींचो, सबसे पहले क्या करना है आपको? स्केल की सहायता से 6.7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है ऐसे, जिसका नाम दे दो ए और बी। खींचो, कितनी है? 6.7 सेंटीमीटर। ऐसे लाइन खींचनी है आपको, 6.7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी। अब देखो इसको बताओ कितने अनुपात में बांटना है? 2:3 के अनुपात में बांटना है। मतलब क्या करना है आपको? देखो ये जो लाइन है, इस लाइन के कितने दो भाग, दो टुकड़े करने हैं, जिसमें इस लाइन के दो भाग तो आएंगे आगे और तीन भाग आएंगे पीछे। और देखो कैसे करना है, अब आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को या तो ए ले लो या बी ले लो, उसको मानना है केंद्र, और उसको ऐसे केंद्र मानते हुए एक लाइन खींचनी है न्यून कोण बनाती हुई रेखा, ऐसे बिना किसी नाप की न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींचनी है। ए से खींचो या बी से खींचो, मैंने इधर नीचे खींची, आप ऊपर भी खींच सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये सेम आपके 9th क्लास में भी था, सेम था ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही है। केस दी, अब क्या करना है? अब आपको यहाँ दे रखा है 2:3, मतलब आपको अनुपातों का योग करना है। 2+3 कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। ये जो न्यून कोण बनाती हुई लाइन है, इस पर हम प्रकार की सहायता से, ये जो न्यून कोण बनाती हुई लाइन है, इस पर प्रकार की सहायता से अनुपातों का जोड़ कितना है? 5। 5 बराबर बराबर चाप काटने, इस पर 5 चाप काटने बराबर बराबर ऐसे। यहां रखना है प्रकार को, ए बिंदु को केंद्र मानना है, एक चाप, दो चाप, तीन चाप, चार, और ये हो जाएगा 5। अगर लाइन छोटी पड़ी है तो बाद में लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे, कोई फर्क, बिना किसी नाप का लेना है, कोई से भी नाप का आप ले सकते हो। जैसे मेरे लाइन छोटी पड़ गई तो इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा देता हूँ स्केल की सहायता से, अगर आपके भी छोटी पड़ जाए तो स्केल की सहायता से उस लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे कर दिए, 5 बार करने हैं आपको, कर दिए। अब नाम देना है इनका, देखो ये जो बात किया आपको नाम देना है, नाम आप कोई से भी दे सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, पहला अक्षर जो भी आपके नाम का हो, या फिर जैसे ए है
यहाँ दे दो A1, A2, A3, A4 और ये हो गया A5, A4 और यहाँ क्या हो गया A5, ऐसे दे देना। ऐसे बराबर चाप काटने, और चाप आप किसी भी नाप के काट सकते हो, लेकिन सारे के सारे चाप क्या होने चाहिए आपके बराबर बराबर आने चाहिए। आ गया। अब क्या करना है, ये जो लास्ट वाला चाप है, ये वाला A5, इसको B बिंदु से मिलाना है। लास्ट वाला जो चाप है आपके A5, इसको किसे मिलाना है, B बिंदु से मिलाना है A5 को। चाप आप थोड़ा छोटा काटे ताकि आपके इधर ज्यादा बड़ा नहीं बने। मिला दिया। A5 को किसे मिलाना है, B से। अब देखो इस लाइन के में दो टुकड़े करने हैं, एक तो ये 2:3, मतलब 2:3, मतलब दो भाग होने चाहिए आगे और तीन भाग होने चाहिए पीछे। देखो इधर ये एक भाग और दो भाग, मतलब यहां से इधर एक और दो भाग है, और यहां से इधर 1, 2, 3 भाग है। यहां से अगर हम इसको बांटेंगे तो दो भाग इधर रह जाएंगे और 1, 2, 3 भाग इधर हो जाएंगे, हो जाएंगे वो। बताओ 1, 2, 3, मतलब हमें क्या करना है, जो ये A5 पर ये लाइन बनाई थी, यही लाइन हमें कहाँ बनानी है, A2 पर बनानी है। जो लाइन हमने यहाँ बनाई थी वही लाइन A2 पर बनानी है, ताकि A2 पर जैसे हम ऐसे लाइन बनाएंगे अभी ऐसे, तो 1, 2 भाग रह जाएंगे आगे और 1, 2, 3 भाग रह जाएंगे पीछे। तो हमें वो जैसे हम थेल्स प्रमेय में करते, थेल्स प्रमेय में क्या होता था, BPT में ये त्रिभुज में क्या होती थी, दो रेखाएं कैसी होती थी, समान। तो भुजाएं कैसी होती थी, अनुपातिक। जो अनुपात इसमें और इसमें होता था वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, यही करेंगे यहाँ पर। जो अनुपात इसमें और इसमें आएगा वही अनुपात यहाँ भी बुझाएगी और यहाँ बुझाएगी इसमें आएगा, मतलब थेल्स प्रमेय पर आधारित है सेम। मतलब क्या करनी पड़ेगी, ये रेखा तो समांतर है, इसके समांतर में एक रेखा और बनानी है यहाँ पर। अब वो रेखा कैसे बनाएंगे, देखो समांतर रेखाएं दो प्रकार से बना सकते हो, एक तो है आपके सेट स्क्वायर, अब बताया मैंने सेट स्क्वायर की सहायता से बना सकते हो, दूसरा तरीका है आपके ये प्रकार की सहायता से। देखो कैसे बनाना है हमें, ये जो लाइन है इस लाइन के समांतर रेखा कहाँ बनानी है, A2 पर बनानी है। अब देखो ये लो इस प्रकार, और इसको रखना है यहाँ A5, मतलब जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बनेगा A2 का। ये लो यहाँ रख के बिना कोई नाप लिए हुए एक चाप काटना है ऐसे, बिना कोई नाप पर, नाप कोई नहीं लेना है। अब इसी को यहाँ से उठाना है और रखना है A2 पर, जो हमें A2 पर बनाना है, और A2 से भी यहाँ एक चाप काटना है ऐसे, काट दिया। अब वापस क्या करना है, ये जो चाप है उसका नाप लेना है आपको, ये ऐसे बराबर होना चाहिए नाप, ले लिया, और इसको यहाँ रखना है आपको जहां से हमने चाप काटा था 0 डिग्री पर, और यहाँ ऐसे काट देना है जहां पर ये चाप कटा, ये वाला इस चाप को हम किससे मिलाएंगे, इस चाप को हम A2 से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ये जो चाप कटा आपका उसको A2 से मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो लाइन है इस लाइन के क्या होगी, समांतर। ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी आपके, और ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा आपके बराबर। मतलब ये जो लाइन है हमने AB लाइन, इसको कितने अनुपात में बांट दिया, 2:3 में बन गया। देखो इधर से भी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और यहाँ से जिन जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। मतलब क्या हो गए, कौन से प्रमेय हो गए, थेल्स प्रमेय। जैसे करोगे इसको देखो यहाँ ऐसे बनाएंगे ऐसे, यहाँ पॉइंट क्या नाम है, देखो ये ऐसे बने इधर से, देखो पॉइंट क्या नाम है A, और यहाँ क्या नाम है A5, यहाँ क्या नाम है B, और यहाँ क्या नाम है A2, और यहाँ कोई सा भी नाम दे दो, क्या नाम दे दो, C दे दो, तो यहाँ पॉइंट क्या जाएगा C। अब बताओ इसमें कौन कौन सी रेखाएं समांतर है, कौन कौन सी समांतर है, A2 C समांतर कौन सी है, A5 B। अगर रेखाएं समांतर है तो भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक। मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा, इन दोनों में किसमें, A A2 में। जो अनुपात A A2 में है वही, जो अनुपात A A2 और कौन सी A2 A5 में है वही अनुपात
एसी और किस में होगा? सीबी में होगा। एसी और किस में होगा? सीबी में। अब हमें एसी और सीबी का अनुपात चाहिए, अभी वो तो मैंने लिख दिया था। एसी और बता ए टू का, ए टू यहाँ से लगा कर यहाँ कितने डिब्बे आ रहे हैं? दो। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ दो बता ए टू एफ आई, ए टू एफ आई में कितने डिब्बे आ रहे हैं? यहाँ कितना आ जाएगा? बराबर एसी बटा एबी, मतलब ये एसी बटा एबी का अनुपात कितना आ गया? दो अनुपात तीन। तो हमने इसको कितने अनुपातों में बांट दिया? दो अनुपात तीन के अनुपात में। तो यहाँ ये आपके लिखना है सत्यापन, ये हमने क्या कर दिया? इसको सत्यापित कर दिया, सत्यापन कर दिया ऐसे। तो आपको ऐसे सत्यापन भी करना है साथ के साथ। ऐसा क्यों होगा? क्या लिख सकते हैं यहाँ? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। नंबर दो आपको दिया हुआ है, एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई है 8.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो रेखाखंड बनाना है स्केल की सहायता से। रेखाखंड बनाओ जिसका नाम क्या है? ए और बी, 8.3 सेंटीमीटर का। फिर इसने कहा है रेखाखंड एबी पर कोई बिंदु सी है। ये जो रेखाखंड एबी बन रहा है इस पर कोई बिंदु सी है, इस पर यहाँ मान लिया मैंने सी है। और आगे कहा है कि एसी बराबर है 1/3 एबी। इसमें कहा है कि एसी बराबर है 1/3 एबी के, आपको अनुपात नहीं दिया हुआ है। ऐसा कहा है कि एसी का जो मान है वो 1/3 एबी है। अब देखो क्या करना है, एबी को इधर ले आओ, एबी को लाना है इधर। देखो गुणा में किसमें आएगा? एसी बटा क्या आ जाएगा? एबी बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। मतलब AC और AB में जो अनुपात है वो कितना है? 1/3 है। मतलब ये AC तो कितनी है? ये तो 1 है और पूरी AB कितनी है? 3 है। इसके अनुसार AC तो है 1 और AB कितनी है? 3। हमें दोनों को डिवाइड करना है अलग अलग। तो बताओ BC कितनी आएगी? BC कितनी आएगी? 2। पूरी 3 है, 3 में से 1 कटा दो तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो बताओ एसी और बटा एबी की जगह क्या नाम लिखेंगे हम? बीसी। उसमें अनुपात क्या होगा? 1/2। मतलब एसी और बीसी में अनुपात क्या हो जाएगा? एसी और बीसी में अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2। ओके, 1/2। वापस से देखो, इसने कहा कि एसी बराबर 1/3 एबी है। एबी को इधर ले आओ, भाग में आ गया। तो एसी और एबी में अनुपात कितना हो गया? 1/3। ये तो एसी और ये पूरी एबी। तो ये एसी और ये एबी 1/3। हमें चाहिए एसी अनुपात बीसी। तो बताओ ये बीसी कितना हो जाएगा? पूरी 3 है, 3 में से 1 कटा तो कितना आ जाएगा? 2। तो हमारा अनुपात कितना आ गया? 1/2। मतलब हमें इस लाइन को किस अनुपात में बांटना है? 1/2 के अनुपात में बांटना है। देखो अब क्या करोगे बताओ, वही एक न्यून कोण बनाते हुए लाइन बनानी है ऐसे। एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन बनानी है, बना और अनुपातों का योग कितना है बताओ? 1+2 कितना हो जाएगा? 3। जो ये लाइन बनाए इस पर 3 लाइनें बनानी है छोटी छोटी। कितने चाप काटने? 3 चाप काटने छोटे छोटे, किसी भी नाप के आप काट सकते हो। काटो, किसी भी नाप के 3 चाप काट सकते हो। देखो यहां से एक चाप, 2 चाप और एक हो जाएगा 3 चाप। 3 अनुपातों का योग 3 होता है, इसलिए आपको बराबर बराबर 3 चाप काटने। काट दे 3 चाप और इनको नाम दे दो। यहाँ ए आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? A1। यहाँ क्या हो जाएगा? A2। और यहाँ क्या हो जाएगा? A3। A1, A2 और A3 हो जाएंगे, 3 नाम आ जाएंगे आपको। आ गया। अब क्या करना है बताओ? लास्ट वाला A3 है, इसको किससे मिलाना है? B से। इस लास्ट वाले A3 को B से मिलाओ। लास्ट वाला जो पॉइंट है चाप, उसको मिलाना है B से, ऐसे मिला दे B से। अब देखो इधर पहले इंपॉर्टेंट चीज, अनुपात कितना है? 1/2। 1/2 है, मतलब इस लाइन में एक भाग तो रहना चाहिए आगे और दो भाग रहना चाहिए पीछे। देखो ये यहाँ से एक देखे, एक भाग आगे और एक दो भाग पीछे। तो आपके जो ये इसके समांतर रेखा बनानी है वो कहाँ बनानी है? A1 पर। कहाँ बनानी है? A1 पर बनानी है। अब A1 पर बनाओ समांतर रेखा,
आपको पता है अभी समांतर रेखा कैसे बनाते हैं, ये कंपास लो अपना प्रकाश और इसको कहाँ रखोगे, A3 पर रखना है यहाँ, और ऐसे बिना किसी नाप का चाप काटना है, ऐसे चाहो तो बड़ा काट लो, इसी को कहाँ रखना है A1 पर, और यहाँ से एक चाप काटना है ऐसे, ऊपर भी निकल सकता है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, काट लिया जल्दी काटो। आप क्या करना है देखो ध्यान दो इधर, पहले आपको ये नाप लेना है, ये वाला ये फिक्स बराबर ये ऐसा ऐसा ये नाप लेना है, और ये नाप लेके आपको यहाँ रखना है 0 डिग्री पर, और ये जो चाप काटा था ना आपने पहले वाला, इस चाप को ऐसे काटना है, काटो ऐसे, और जहां पर भी कटा उसको किससे मिलाओगे, A1 से, किसे मिलाना है A1 से मिलाना है, ऐसे ये मिलाना है आपको A1 से ये, और जहां भी ये मिलेगा यहाँ कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपके, सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपके, आ गया। अब इसमें देखो ये क्या है आपके, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पैरेलल है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, इसका मतलब क्या है, जो अनुपात इसमें और इसमें है, जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, जैसे अभी आ जाएगा 2/3 1/3 ए भी आ जाएगा, देखो कैसे, ध्यान दो इधर, रेखाएं कौन कौन सी समांतर है, एसी समांतर क्या है, एक तो ये A1C और क्या है A3B, क्या लिखोगे, A1C समांतर है A3B, अगर रेखाएं समांतर है तो भुजाएं कैसी होती है, आनुपातिक, छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, इधर भी छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, क्योंकि यहाँ हमें AC और AB लाना है, मतलब पूरी भुजा लानी है, वो पूरी का नाम लेना है हमें, ये देखो ये क्या नाम है, A1 छोटी भुजा, जो अनुपात A और A1 बटा बड़ी भुजा A और A3 में है वही अनुपात किसमें होगा, AC और AB में होगा, क्यों होगा पता, क्यों होगा, बाय BPP बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब यहाँ अनुपात आया, ये अनुपात कितना, एक, ये अनुपात कितना, एक बटा, अब ये पूरा अनुपात कितना, तीन, दोनों ही लेना है, दो तो इन दोनों में पूरी भुजा ली है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तीन बराबर कितना हो जाएगा, AC/AB। अब हमें ये लाना है, देखो यहाँ AB बाद में तो इधर कहीं में आ जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, 1/3 AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। आगे ये चीज वापस से बिल्कुल सही है, आगे बात समझ में, आपको ध्यान से बनाना है, इजी है सिंपल।